बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर क्लास, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर। बेटा आज हम एक्सरसाइज 1.1 जो है, चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन 1 है, गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये पार्ट 1 है इसका, पार्ट ए। और पार्ट बी है एफ ऑफ एक्स इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। तो आपने पार्ट ए के लिए 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पार्ट ए ले लें पहले, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो सबसे पहले इस फंक्शन की वैल्यू आपने पॉइंट माइनस टू पर फाइंड करनी है, कि माइनस टू पर एफ ऑफ फंक्शन की वैल्यू जो है वो कितनी होगी माइनस टू पर। ठीक है, तो ये देखें, अब ये फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो इस फंक्शन में आप x की जगह माइनस टू पुट कर दें तो यह आएगा बेटा माइनस टू स्केयर माइनस इंटू माइनस टू। तो जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ उसकी जगह हमने माइनस टू पुट कर दिया, तो यह आएगा जी माइनस टू स्केयर माइनस, फिर x है तो x की जगह माइनस टू। तो आपको पता है माइनस टू स्केयर 4, और ये माइनस इंटू माइनस, प्लस हो जाएगा प्लस टू, 4 प्लस टू इक्वल 6। तो 6 आंसर आ गया बेटा इसका। अब हमने इसी फंक्शन की वैल्यू जो है, यानी कि जो पार्ट ए दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसकी वैल्यू पॉइंट जीरो पर फाइंड करनी है। इस फंक्शन की वैल्यू आपने पॉइंट जीरो पर फाइंड करनी है, ये फंक्शन की वैल्यू एट जीरो क्या होगी। तो आप इसमें एक्स की जगह जीरो पुट करें, एफ ऑफ जीरो इक्वल जीरो स्केयर माइनस जीरो, ये ऊपर वाला स्केयर कैंसिल किया हुआ है, तो ये जीरो स्केयर माइनस जीरो, तो जीरो का स्केयर जीरो होगा, जीरो माइनस जीरो इक्वल जीरो। तो ये आंसर आ गया इसका बेटा। पार्ट थ्री, इसी फंक्शन की वैल्यू जो है, ये जो पार्ट ए था एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इस क्वेश्चन के लिए आपने ये चीज़ फाइंड करनी है कि फंक्शन की वैल्यू, अब ये पॉइंट है एक्स माइनस वन, इस पॉइंट पर आपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो आप फंक्शन में एक्स की जगह एक्स माइनस वन पुट कर दें तो यह आएगा एक्स माइनस वन स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। तो जहाँ एक्स लिखा हुआ था वहाँ हमने x माइनस वन पुट कर दिया, तो यह x माइनस वन स्केयर माइनस एक्स माइनस वन। तो यह आया जी x माइनस वन का स्केयर, ओपन करें एक्स स्केयर माइनस टू एक्स प्लस वन, तो ये माइनस इंटू एक्स माइनस वन, तो यह आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन। तो यह आ गया जी एक्स स्केयर माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स, और ये प्लस वन। तो ये आंसर आ गया बेटा इसका। इसी क्वेश्चन के लिए पार्ट फोर है जी, कि आपने फंक्शन की वैल्यू एक्स स्केयर प्लस फोर इस पॉइंट पर, यानी पॉइंट अब कौन सा है एक्स स्केयर प्लस फोर। पहले पार्ट में पॉइंट था माइनस टू, इस पॉइंट पर आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरे पार्ट में पॉइंट है ज़ीरो, इस पॉइंट ज़ीरो पर फंक्शन की वैल्यू निकाली। तीसरे पार्ट में पॉइंट दिया हुआ है एक्स माइनस वन, ये पॉइंट जनरल दिया हुआ है, यानी कि पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, जैसे ज़ीरो थी या माइनस टू थी, ऐसे वैल्यू नहीं है, बल्कि ये जनरल वैल्यू है x माइनस वन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी। तो फंक्शन में आप x की जगह x माइनस वन स्केयर पुट कर दें तो यह आएगा x माइनस वन स्केयर माइनस एक्स माइनस वन। तो ये आंसर आ गया एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। और जो चौथा पार्ट है, इसमें आपने पॉइंट की जगह एक्स स्केयर प्लस फोर पुट करना है, यानी जहाँ पर आपने पॉइंट होगा वहाँ उसकी जगह एक्स स्केयर माइनस फोर, यानी एक्स की जगह एक्स स्केयर प्लस फोर पर पुट करना है, और आपने इस पॉइंट एक्स स्केयर प्लस फोर पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो फंक्शन में बेटा आप एक्स स्केयर प्लस फोर पुट कर देंगे तो यह आएगा एक्स स्केयर प्लस फोर स्केयर माइनस एक्स प्लस फोर। ठीक है, अब ये आप देखो, ये एक्स एक टर्म है यहाँ पर एक्स स्केयर प्लस फोर होल स्केयर, दूसरी है एक्स स्केयर प्लस फोर। तो एक्स स्केयर प्लस फोर कॉमन ले लें, तो यहाँ से ये दो फैक्टर थे एक्स स्केयर प्लस फोर के, एक कामन, तो बाकी बचेगा एक्स स्केयर प्लस फोर, और यहाँ से ये वन आ गया कामन, तो ये दरमियान में माइनस साइन आएगा। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास एक्स स्केयर प्लस फोर वैसे रहेगा, और इधर आएगा जी एक्स स्केयर प्लस थ्री। ठीक है, फोर माइनस वन थ्री होगा। अब आप इन दोनों फैक्टर को, यानी एक्स स्केयर प्लस फोर और एक्स स्केयर प्लस थ्री को हॉरिजेंटली मल्टीप्लाई कर लें, तो एक्स स्केयर को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स फोर, एक्स स्केयर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स स्केयर, और फोर को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे फोर एक्स स्केयर, फिर फोर को
आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया। तो आंसर आएगा ये देखें एक्स फोर 3x² प्लस 4x² 7x² प्लस 12, तो ये बेटा आंसर आ गया। अब हमने इसी क्वेश्चन के लिए पार्ट बी सॉल्व करना है, यानी अब फंक्शन की वैल्यू दी हुई है एफ ऑफ एक्स इक्वल स्केयर रूट एक्स प्लस 4, यानी एक्स पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू दी हुई है वो है स्केयर रूट एक्स प्लस 4। तो अब पार्ट वन में हम क्या करेंगे बेटा, माइनस 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, यानी एक्स की जगह इसमें माइनस 2 पुट करें तो एफ ऑफ माइनस 2 आएगा माइनस 2 प्लस 4 स्केयर रूट, तो यह आएगा स्केयर रूट ऑफ 2, ये आंसर आ गया इसका, माइनस 2 प्लस 4 2 आ जाएगा। फिर आपने 0 पर वैल्यू निकालनी है तो एफ ऑफ 0 आएगा 0 प्लस 4 स्केयर रूट, तो यह आ जाएगा स्केयर रूट 4, तो 4 का स्केयर रूट 2 होगा। फिर बेटा तीसरा पॉइंट है x माइनस 1, कि आपने फंक्शन में x की जगह x माइनस 1 पुट करना है तो वो आएगा x माइनस 1 प्लस 4 स्केयर रूट, तो ये आ जाएगा स्केयर रूट x प्लस 3, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। फिर तीसरा चौथा पॉइंट है जी x स्केयर प्लस 4, तो फंक्शन में आपने x की जगह x स्केयर प्लस 4 पुट करें तो यह आएगा जी x स्केयर प्लस स्केयर रूट ऑफ x स्केयर प्लस 4 प्लस 4, तो ये बेटा आंसर आ गया स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस 8। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन 1 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, कि अब हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन की एफ ऑफ ए प्लस एच इस पॉइंट पर माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, यानी इस एक्सप्रेशन को हमने फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, इसको फाइंड करना है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच क्या चीज़ है, फंक्शन की पॉइंट ए प्लस एच पर वैल्यू है। ये एफ ऑफ ए प्लस एच से क्या मुराद है, कि एक फंक्शन है एफ, उसकी वैल्यू एक पॉइंट ए प्लस एच पर दी हुई है, और ये जो है एफ ऑफ ए का मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू पॉइंट ए पर है, ठीक है, और ओवर एच का मतलब है आप उसको एच से डिवाइड करेंगे, और सिंप्लीफाई करना है वेयर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 6x माइनस 9। अब फंक्शन की वैल्यू पार्ट वन में पॉइंट एक्स पर कितनी दी हुई है 6x माइनस 9, यानी आप इसमें एक्स की मुख्तलिफ वैल्यू पुट करते जाएं तो फंक्शन की मुख्तलिफ वैल्यूज आती जाएंगी। मसलन एक्स 0 पुट करें तो माइनस 9 आएगा बेटा, अगर आप एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 6.16 माइनस 9, तो एक्स की वैल्यू माइनस 3 आएगी, ठीक है। अगर आप इसमें x की जगह 2 पुट करें तो फंक्शन कितना आ जाएगा 6.212 माइनस 9, तो फंक्शन की वैल्यू 3 आएगी। तो इस तरह ये फंक्शन जो है एक पॉइंट x पर डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इक्वल 6x माइनस 9। तो हमने सॉल्यूशन में देखें तो ये इस एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करना, यानी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, इस एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करना, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स है बेटा 6x माइनस 9, तो अब ये यहाँ पॉइंट x दिया हुआ है तो उस पर फंक्शन की वैल्यू 6x माइनस 9। अब आप पॉइंट चेंज कर लो तो आप पॉइंट लिखो a, तो f ऑफ a कितना आएगा 6a माइनस 9, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ले लें f ऑफ a प्लस h, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, x की जगह आपने a प्लस h लिखना है 6 इंटू ए प्लस एच माइनस 9, तो ये आएगा 6a प्लस 6h माइनस 9, ये फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर आ गई। अब इन फंक्शन की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स पर जो आई है एफ ऑफ ए प्लस एच पर और एफ ऑफ ए, इसका आप क्या करें इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये एफ ऑफ ए प्लस एच है 6a प्लस 6h माइनस 9, और एफ ऑफ ए है बेटा माइनस लगाना है और इसलिए ब्रैकेट लगेगी 6a माइनस 9, तो ये एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9, तो ये माइनस 9 और प्लस 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 6a और ये प्लस 6a कैंसिल आउट, तो बाकी बचेगा 6h। तो अब आप ये एक्सप्रेशन फाइंड कर लो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इक्वल 6h ओवर एच, तो h से h कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया 6, ठीक है। अब बेटा इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स, तो आपने इस एक्सप्रेशन को फाइंड करना है, ये फंक्शन की वैल्यू अब पॉइंट x पर कितनी दी हुई है साइन एफ एक्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स, एफ ऑफ ए फंक्शन की वैल्यू पॉइंट a पर कितनी होगी साइन a,
और पॉइंट ए प्लस एच पर कितनी होगी, साइन ऑफ ए प्लस एच, ये फार्मूला लगाएंगे। तो बेटा ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू है साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला आपने चैप्टर 10 में ये फार्मूला पढ़ा था, साइन पी माइनस साइन क्यू इक्वल टू टाइम्स ऑफ साइन पी माइनस क्यू ओवर टू कॉस पी प्लस क्यू ओवर टू। ये है, ये फार्मूला क्या कर रहा है कि डिफरेंस ऑफ टू साइन फंक्शन जो होगा उसको प्रोडक्ट में चेंज कर लें, कि अगर दो साइन फंक्शन का डिफरेंस लिया जाए तो हमारे पास साइन और कॉस फंक्शन का प्रोडक्ट आता है और साथ में टू का फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये है बेटा साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए। अब ये जो फार्मूला है आपने ये राइट साइड पे अप्लाई किया, साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए, यहाँ पर p की जगह a प्लस एच लिखा हुआ है और q की जगह a लिखा हुआ है। तो यह आएगा बेटा जी 2 साइन a प्लस एच माइनस ए ओवर 2 कॉस a प्लस एच प्लस ए ओवर 2। तो a से a कैंसल, तो यह आएगा 2 साइन एच ओवर 2 कॉस a प्लस ए 2a प्लस एच ओवर 2। तो ये बन गया 2 साइन एच ओवर 2 कॉस, अब ये 2 को अलग-अलग डिवाइड कर लें, 2a ओवर 2 प्लस एच ओवर 2। तो ये आया बेटा जी 2 साइन एच ओवर 2 कॉस ए प्लस एच ओवर 2। तो हम इस एक्सप्रेशन को अब लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इक्वल 2 साइन एच ओवर 2 कॉस ए प्लस एच ओवर 2 ओवर एच। ये इस एक्सप्रेशन को हमने लिख लिया, या इसको आप यूं भी लिख लें, ये एच को सिर्फ 2 से डिवाइड कर लो, 2 ओवर एच साइन एच ओवर 2 कॉस ए प्लस एच ओवर 2। तो ये हमारा बेटा आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन का आप पार्ट नंबर 3 देखेंगे। अब फंक्शन की वैल्यू दी हुई है पॉइंट x पर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो हमने ये एक्सप्रेशन फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो फंक्शन की वैल्यू पॉइंट a पर बनेगी ए स्क्वायर प्लस टू ए क्यूब प्लस टू ए स्क्वायर माइनस वन, यानी फंक्शन में आप x की जगह a पुट करें तो जाएगा ए क्यूब प्लस टू ए स्क्वायर माइनस वन। फिर आप फंक्शन में x की जगह a प्लस एच पुट करेंगे तो ये आएगा बेटा a प्लस एच क्यूब प्लस टू ए प्लस एच स्क्वायर माइनस वन, ठीक हो गया ये। अब इसको ज़रा एक्सपेंड कर लो, तो ये पहला एक्सप्रेशन a प्लस एच क्यूब, फार्मूला लगाओ a प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस टू ए स्क्वायर बी प्लस टू ए बी स्क्वायर, ये फार्मूला खोल लिया। तो a की जगह a है और b की जगह सिर्फ h लिखा हुआ है, तो यह आएगा ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर एच प्लस थ्री ए एच स्क्वायर प्लस टू ए प्लस एच होल स्क्वायर, ये फार्मूला खोलें तो यह आएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए एच प्लस एच स्क्वायर और ये माइनस वन वैसे आ गया, ठीक है। अब आप बेटा देखें ये ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर एच प्लस थ्री ए एच स्क्वायर प्लस टू ए, अब ये टू से मल्टीप्लाई करें टू ए स्क्वायर प्लस फोर ए एच प्लस टू एच स्क्वायर माइनस वन। अब आप ये जो पहले एक्सप्रेशन है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो एफ ऑफ ए की वैल्यू, पहले एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू यहाँ तक लिख ली हमने, ये सारी यानी ए क्यू प्लस एच क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर एच प्लस थ्री ए एच स्क्वायर, फिर इसके बाद आया ये टू ए स्क्वायर प्लस फोर ए एच प्लस टू एच स्क्वायर माइनस वन, और ये वैल्यू लिखी है एफ ऑफ ए की ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस टू ए स्क्वायर माइनस वन। तो ये एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अब एफ ऑफ ए की वैल्यू के जो है वो बाहर नेगेटिव साइन है, तो इसलिए अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये बनेगा माइनस ए क्यूब माइनस टू ए स्क्वायर प्लस वन। तो ये जो एक्सप्रेशन है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इक्वल ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर एच प्लस थ्री ए एच स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर प्लस फोर ए एच प्लस टू एच स्क्वायर माइनस वन माइनस ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर प्लस वन। तो ये बेटा प्लस वन और ये इधर है आपके पास माइनस वन, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस टू ए स्क्वायर और प्लस टू ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस ए क्यूब और प्लस ए क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी बचेगा एच क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर एच प्लस थ्री ए एच स्क्वायर प्लस फोर ए एच प्लस टू एच स्क्वायर। अब इस पूरे एक्सप्रेशन से आप h कॉमन ले लो,
तो बाकी बचेगा हमारे पास एच स्केयर प्लस थ्री ए स्केयर प्लस थ्री ए एच प्लस फोर ए प्लस टू एच। तो अब आप इस एक्सप्रेशन को एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए को एच से डिवाइड करें तो ये नीचे एच आ जाएगा, तो एच से एच कैंसिल, तो इसका आंसर आया बेटा एच स्केयर प्लस टू ए स्केयर प्लस थ्री ए एच प्लस फोर ए प्लस टू एच। तो ये आंसर आ गया बेटा। इसी तरह बेटा इसका पार्ट नंबर फोर है एफ ऑफ एक्स इक्वल कॉस एक्स। तो ये जैसे पार्ट टू है वैसे सेम पार्ट नंबर फोर है, तो उसमें था साइन फंक्शन, इसमें कॉस फंक्शन है। तो इस एक्सप्रेशन को हमने फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच को हमने फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स के इक्वल है एफ ऑफ ए प्लस एच कितना हो जाएगा बेटा कॉस ए प्लस एच, और एफ ऑफ ए दिया हुआ है ये कॉस ए के इक्वल, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू आएगी कॉस ए प्लस एच माइनस कॉस ए। अब आपने फिर ये फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 में फार्मूला पढ़ा था कॉस पी माइनस कॉस क्यू, यानी अगर दो कॉस फंक्शन का डिफरेंस जो है वो किस में होगा, वो दो साइन फंक्शन के प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा और उसके साथ माइनस टू का फैक्टर लगाएंगे आप, तो ये आएगा कॉस पी माइनस कॉस क्यू इक्वल माइनस टू साइन पी माइनस क्यू ओवर टू साइन पी प्लस क्यू ओवर टू, या ये लिखा हुआ है माइनस टू साइन पी प्लस क्यू ओवर टू साइन पी माइनस क्यू ओवर टू। ठीक हो गया बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए आएगा, तो ये आपके पास ये देखें ये कॉस पी माइनस कॉस क्यू, ये पी की जगह ए प्लस एच है और क्यू की जगह ए है, तो ये आएगा माइनस टू साइन पी प्लस क्यू ओवर टू मीन ए प्लस एच प्लस ए ओवर टू साइन पी माइनस क्यू ओवर टू मीन ए प्लस एच माइनस ए ओवर टू। तो ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो बाकी बचेगा साइन एच ओवर टू, और यहाँ ए प्लस ए टू ए तो यह आएगा जी माइनस टू साइन टू ए प्लस एच ओवर टू साइन एच ओवर टू। तो ये बेटा आ गया जी माइनस टू साइन, तो ये अब इसको टू को आप टू ए को और एच को दोनों को टू से डिवाइड करें तो यह आएगा टू ए ओवर टू प्लस एच ओवर टू और साइन एच ओवर टू। तो ये आ गया बेटा हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू है माइनस टू साइन ए प्लस एच ओवर टू साइन एच ओवर टू, और एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच आ गया माइनस टू ओवर एच, इसको टू एच को इधर डिवाइड कर लो साइन ए प्लस एच ओवर टू साइन एच ओवर टू। तो बेटा आज का आपका वीडियो लेक्चर जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अगर आप को इसके बारे में किसी कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे रابطہ करें, और जब कल क्लास डिस्कशन होगी तो आपने लाजमी जो है वो क्वेश्चन करने हैं और मुझे बताना है कि जो पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं हुए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।